नमस्कार। बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो गया है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने बाजी मारी है। इनमें से साइंस में स्टेट टॉप करने वाली सोनाली की कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है। नालंदा जिला के बिहार शरीफ की सोनाली साइंस में 471 नंबर लाकर स्टेट टॉपर बन गई है। सोनाली की इस सफलता में एक खास राज छुपा है। सोनाली की ये सफलता इसलिए काफ़ी मायने रखती है क्योंकि उसने कभी कोचिंग या ट्यूशन का सहारा नहीं लिया। सोनाली बेहद गरीब परिवार से है और इनकी गरीबी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उनके पिता चुन्नीलाल ठेले पर शहर में फेरी लगाकर फल बेचते हैं। इसके बावजूद अपनी दोनों बच्चियों को वो शिक्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही कारण है कि उनकी छोटी बच्ची ने स्टेट टॉप किया है। आने वाले समय में सोनाली यूपीएससी टॉप करना चाहती है। फिलहाल इनका पूरा परिवार बिहार शरीफ के चमन गली में स्वर्गीय गंगा हलवाई के मकान में किराए पर रहता है। इसके पहले भी सोनाली मैट्रिक की परीक्षा में 454 अंक हासिल कर चुकी है। तीन भाई बहनों में दूसरे नंबर पर रहने वाली सोनाली मैट्रिक परीक्षा में जिले में चौथे स्थान पर रही थी। साइंस टॉपर सोनाली ने बताया कि पहली से लेकर मैट्रिक तक उनकी पढ़ाई स्कूल और घर में ही हुई है। सरकारी स्कूलों में नामांकन भले ही करवा लिया था मगर ये हमेशा घर पर रहकर ही तैयारी करती रही। खैर, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है और अगर हौसले हो तो मंजिल भी अपने आप मिल जाती है। इस बात को बिहार की सोनाली ने चरितार्थ कर दिया है। आप देख रहे थे द भारत खबर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।